कहता है सेटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, आपको पता होगा कि आप फार्मूला याद किए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है जी एम एम ओवर 2R, या आप ऐसे भी पढ़े होंगे जी एम एम ओवर 2R प्लस H, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस जी एम एम ओवर R, ठीक है, या जी एम एम, याद है ना फार्मूला, इज इक्वल टू R प्लस H, H हाइट पे, सेटेलाइट H हाइट पे, ठीक है, ये दो। अब इन दोनों को रेशियो निकालना, वैसे एक बच्चा जिसको ये रिलेशन डायरेक्ट याद है उसको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मॉड डिवाइडेड बाई 2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल जब देखोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है और बार बार ये आता है यार, ठीक है।